हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आई हूँ रेसिपी वो है मैकरोनी। आसानी से बन जाती है, बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। तो आइए मैं बताती हूँ मैं किस तरह से ये रेसिपी तैयार करूँगी। तो मैंने सबसे पहले मैकरोनी को पानी डाला और उसके हिसाब से इसको बॉयल कर लिया। जब ये अच्छी तरह से गल गई तो अब मैं इसका पानी जो है वो निकाल दूँगी एक छलनी में और उसको अलग कर लूँगी। और हाँ, मैंने इसमें एक चम्मच ऑयल भी ऐड किया था ताकि ये चिपके ना और आसानी से बन जाए। तो ये मेरी अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं इसका छलनी में पानी छान लूँगी और इसको एक बर्तन में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मटेरियल जो लिया था मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जो मैंने इस तरह से काट लिया है, मैगी मसाला, मीडियम साइज़ की प्याज और दो तीन हरी मिर्च जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, और लिया है मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैं इसमें डालूंगी। इससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा, टेक्सचर बढ़ जाएगा माशाल्लाह। तो आइए मैं बताती हूँ किस तरह से बनाऊंगी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने सारा पानी निकाल लिया है चलने में और कुछ देर के लिए रखा था ताकि बिल्कुल इसका पानी निकल जाए। मैंने पैन ले लिया है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी एक बड़ा चम्मच क्योंकि मेरी मैगी मैकरोनी मसाला ज़्यादा है। तो देख फ्रेंड्स, तो मेरा ऑयल हो चुका है गरम। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज जो मैंने चॉप की हुई है। इसको अच्छी तरह से कर लूँगी फ्राई। तो फ्रेंड्स, मेरे प्याज को हमने लगाया कलर चेंज। अब मैं इसमें आधा चम्मच डालूँगी जीरा और इसको भी फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ में इस तरह से। देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और अब मैं डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और अब पड़ेगा इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको कर लूंगी अच्छी तरह से मिक्स। आप इसमें मिर्च डाल सकते हैं, मिर्च पाउडर अपने जैसा आप चाहें। आप लाइट पसंद करते हैं या स्पाइसी खाते हैं जैसा आप चाहें, इस तरह से आप इसमें मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च भी ऐड करूंगी, तो इसमें मैं इसमें आधा चम्मच से कम मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो देखिए, मैंने एक चम्मच छोटा चम्मच हल्दी ऐड की है और इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। जितना आप चाहें पानी इसमें डालकर इसे भूने अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, ये मेरा मसाला भुन चुका है, ग्रेवी रेडी हो गई है क्योंकि ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो मैं इसमें ऐड करूंगी अपनी ये मैकरोनी जो मैंने बॉयल की हुई रखी हुई है। तो देखिए, मैं इसे ग्रेवी में बिल्कुल मिक्स कर लूंगी। लो फ्लेम रखूंगी ताकि मेरी अच्छी तरह से ये बच जाए। फ्रेंड्स, मैंने देखिए अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लिया है और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी।
तो मैं इसको कवर करूँगी लो टू स्लो फ्लेम पर। देखिए कम से कम 3 मिनट। फिर से मैं इसमें डालूँगी मैगी मसाला। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने मैगी मसाला के बाद भी इसे कुछ देर बनाया था, तो ये मेरा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। इसका टेक्सचर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया है माशाल्लाह। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। तो मैं डिश आउट करूँगी इसको। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी मैक्रोनी रेडी है, स्पाइसी डिलीशियस सायकेदार। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ मैं कल फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।